गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी गुरुवार को चुनावी दौरे पर जयपुर पहुंचे। इस दौरान रूपाणी ने गुजराती भवन में प्रवासी गुजरातियों से चुनाव की लेकर के चर्चा करके भाजपा को वोट देने की अपील की। इसके बाद सीएम रूपाणी ने भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बार चुनाव में सिर्फ मोदी वेव नहीं बल्कि सुनामी होने वाली है। जहां जहां वोटिंग पूरी हो गई है वहां हर मोदी की लहर है। साथ में रूपाणी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की झूठ बोलने की आदत नहीं है। मोदी सरकार ने 5 साल में जो काम किए हैं और 55 साल में कांग्रेस ने जो काम किए हैं जनता उसका कंपैरिजन कर रही है। इस बार चुनाव में सिर्फ मोदी वेव नहीं अब तो सुनामी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से जहां जहां वोटिंग पूरा हो गया और पूरे देश में, मैं तो 5-6 राज्य में जाकर आया हूं, एक लहर है और किसके हाथ में देश सलामत, एक ही मुद्दा इस चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बन गया है, मजबूत नेतृत्व, ईमानदार प्रामाणिक नेतृत्व सिर्फ मोदी दे सकते हैं। नाम उन अब तो आज जिस तरीके से कल उन्होंने मुसद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया तो अब नामुमकिन भी मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये सब बातें धीरे धीरे स्पष्ट